Hello and welcome. Welcome to Technical Classes for VI YouTube channel. में आप सभी का स्वागत है. कृपया वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट भी करें. यदि कोई कमी रहती है तो हमें जरूर बताएं. आइए मिलकर चलें, सीखें और सिखाएं. क्या टेक्नोलॉजी का ज्ञान आप है ना हमें बताने के लिए और हम आपको सिखाएंगे क्या ज्ञान, टेक्नोलॉजी का ज्ञान. आइए हमारे YouTube चैनल पर अनेकों वीडियो पाए. एंड्रॉइड कंप्यूटर और भी अधिक कुछ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे टेक्निकल क्लासेस फॉर VR YouTube चैनल में. आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से. चले चलते हैं वीडियो की और हमारी टेक्नोलॉजी वीडियोस फॉर एंड्रॉइड एंड कंप्यूटर सीरीज. थैंक यू. नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब. आज है सुपर संडे. लेकर आ चुके हैं हम जोज इंट्रोडक्शन की प्लेलिस्ट में एक और नया अध्याय. आज के अध्याय में हम आपको सिखाने वाले हैं रिसाइकल बिन क्या है, इसका यूज कंप्यूटर में क्यों किया जाता है. तो साथियों, रिसाइकल बिन कंप्यूटर की भाषा में बोलूं तो डेस्कटॉप कंप्यूटर का कूड़ादान है. सिंपल भाषा में बात करें, क्योंकि हम जो भी डाटा डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में कहीं ना कहीं सेव हो जाता है, पर अगर हम इसको परमानेंट डिलीट कर दें तो वो रिसाइकल बिन में सेव नहीं होता है. अब रिसाइकल बिन करता क्या है? रिसाइकल बिन हमारे लिए ये करता है साथियों कि जैसे आपने एक बार किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर दिया अपने डेस्कटॉप से, तो रिसाइकल बिन उसका बैकअप ले लेगा, मतलब वो बैकअप में सेव हो जाएगा अगर आपने परमानेंट डिलीट नहीं किया है तो. एक होता है टेम्परेली, एक होता है परमानेंट डिलीट. तो परमानेंट डिलीट करने के लिए आप डिलीट की के साथ शिफ्ट का यूज करें और वो फिर आपको रिसाइकल बिन में नहीं दिखाई देगी फाइल या फोल्डर. ठीक है, अगर आपसे गलती से कोई चीज डिलीट हो जाती है तो वो आपको रिसाइकल बिन में मिल जाएगी. तो मैं कोई चीज डिलीट भी करके दिखाऊंगा और रिसाइकल बिन से आपको निकाल कर भी उसको वापस उसी लोकेशन पर पहुंचा कर भी दिखाऊंगा. तो बने रहें मेरे साथ, आइए मिलकर हाथ मिलाएं, सीखें और सिखाएं. जोज इंट्रोडक्शन की प्लेलिस्ट में मैं आपका स्वागत करता हूं. तो साथियों, मौखिक तौर पर तो मैंने आपको रिसाइकल बिन के बारे में बता दिया है और थ्योरिकल और प्रैक्टिकल की बात करते हैं. सबसे पहले हम थ्योरिकल पढ़ेंगे इसका, क्योंकि थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है. टॉप ऑफ फाइल रिसाइकल बिन. रिसाइकल बिन. Recycle bin in Windows. When you delete a file or folder, these items are placed in the recycle bin. The recycle bin can be thought of as a holding bin for deleted items before they are permanently deleted. You can access the recycle bin from the icon on the Windows desktop or from Windows Explorer. It is organized as a list view. You can restore items to their original location from the recycle bin. Select the item you want to restore and press the applications key, which is the second key from the right on the last row of your keyboard. Press the down arrow key to select the first menu item, restore, and press enter to activate this choice. You can also restore a menu item from the restore option on the file menu. Periodically, you should empty your recycle bin. Open the recycle bin and select empty recycle bin from the file menu to permanently delete all items in the recycle. तो साथियों, इसके recycle bin के कुछ menus भी हैं, ठीक है? उसके बारे में भी आपको बताऊंगा. और इसके कुछ जैसे इसने बताया परमानेंट डिलीट कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊंगा. तो प्रैक्टिकल शुरू करते हैं अब हम. आइए जानते हैं कुछ नया. टेक्निकल क्लासेस फॉर VI YouTube चैनल पर बने रहें. हमारा व्हाट्सएप चैनल देखने के लिए अबाउट पेज को विजिट करें, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं. अगर आपके कोई सुझाव या सवाल हैं तो क्या आप हमें कमेंट नहीं कर पा रहे हैं? अगर आप कमेंट नहीं कर पाते हैं, आपको कोई समस्या होती है, तो आप WhatsApp
अबाउट पेज पर जाइए, आपको सेकंड लिंक मिलेगा, वहां पर आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे और हमारे क्रिएटर, हमारे एडमिन के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो अगर आपके फिर भी कोई सुझाव या सवाल रह जाते हैं तो आप हमारे एडमिन तक पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं कॉल कीजिए व्हाट्सएप पर, आपके सवाल का तुरंत जवाब आपको मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत, आगे आगे चलते हैं। इतना ही नहीं साथियों, फिर से टेक्निकल क्लासेस फॉर वीआई यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। खुशखबरी क्या है, बने रहे वीडियो में हमारे साथ। Items view, com registration, ODEP4, desktop, folder view, list view, portable. अब पोर्टेबल NVDA को मैं यहां से आपके लिए एक बार डिलीट करूंगा। Preparing to recycle from desktop dash discovered 2,451 items left parent 156 MB right parent dot dot dot. Pause the operation checkbox not checked. The check press space bar not checked unavailable. Desktop full. तो अब मैं P प्रेस करता हूँ। Pictures P. देखिए मेरा पोर्टेबल NVDA डिलीट होकर रिसाइकल बिन में पहुंच गया। पर अगर मैं शिफ्ट डिलीट कर देता तो ये परमानेंट डिलीट हो जाता। अब मैं आपको इसको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। पहले बात करते हैं रिसाइकल बिन की। RE रिसाइकल बिन 352। मैंने RE लिखा, रिसाइकल बिन मुझे मिल गया। अब यहाँ पर मैं एप्लीकेशन की प्रेस कर रहा हूँ। एप्लीकेशन की प्रेस करते ही मुझे कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां से आप शॉर्टकट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, रीनेम कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में कैसे जा सकते हैं, यहां तक कि अगर आप रिसाइकल बिन को हाँ। तो साथियों अब बात करते हैं हम इसके रिसाइकल बिन के ऑप्शंस की। पहले मैं एप्लीकेशन की से ऑप्शंस दिखाता हूँ। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू टू नेविगेट ओपन एम्प्टी रिसाइकल ओपन ओ। तो पहला ऑप्शन आपको ओपन करने के लिए मिल जाता है। आप एंटर से भी ओपन कर सकते हैं, एप्लीकेशन की दबा के ओ से भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप रिसाइकल बिन को एम्प्टी करना चाहते हैं, खाली करना चाहते हैं, तो आप बी का यूज कर सकते हैं, बी फॉर बॉम्बे। सेकंड ऑप्शन आपको एम्प्टी रिसाइकल बिन का मिलता है, एम्प्टी रिसाइकल बिन बी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन की बात की जाए तो पिन टू स्टार्ट। अगर आप इसको स्टार्ट पे पिन करना चाहते हैं, जो स्टार्ट मेन्यू लोगे स्टार्ट पर क्लिक करें, सॉरी यहाँ पर पिन करना चाहते हैं स्टार्ट पर, तो सर्च बॉक्स पर अगर आप पिन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन की दबा के पी प्रेस करेंगे, पी फॉर पैरेट। क्रिएट शॉर्टकट एस। अगर आप इसका शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप एस से शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। अब अगला कमांड की बात करें, रीनेम एम। जी हाँ, अगर आप रीनेम करना चाहते हैं आइकन को तो आप M से रीनेम कर सकते हैं। एप्लीकेशन की को प्रेस करना है और M प्रेस करना है। प्रॉपर्टीज R। प्रॉपर्टीज में जाने के लिए आप R का यूज कर सकते हैं। तो साथियों ये तो रही एप्लीकेशन पर जो ऑप्शन, एप्लीकेशन मेन्यू में जो ऑप्शन आते हैं उसकी बात। ओपन O। अब यहां से मैं ओपन पर एंटर का आइकन जो है मेरे सामने ओपन हो गया। ये रहा मेरा पोर्टेबल NVDA जो मैंने डिलीट किया था कुछ देर पहले। टाइम राइट एरो करता हूं,
लोकेशन चेक कराते हैं आपको. ओरिजिनल लोकेशन c:\\user\\desktop 1:1. ठीक है, तो डेस्कटॉप से मैंने आइकन को डिलीट किया था, उसने लोकेशन बता दी. अगर आप डेट एंड टाइम चेक करना चाहते हैं कि आपने कब डिलीट किया है, तो वो राइट एरो फिर से करें एक बार. डेट डिलीटेड 21/01/2024 10:14 AM 1:1. तो 10:14 पे मैंने इसको डिलीट किया था. डेट आज की ही है, 21/1/2024. साइज 292,254 KB 1:1. आइटम टाइप फाइल फोल्डर 1:1. आइटम टाइप फाइल फोल्डर है. डेट मॉडिफाइड 18/01/2024 6:01 PM 1:1. तो 18 तारीख को मैंने इस फोल्डर को डेस्कटॉप पर क्रिएट किया था, बनाया था, मतलब इसने सब आइटम रिपोर्टेबल का 480 पोर्टेबल रिपोर्टेबल का 483/602. ठीक है, अब मैं यहाँ पर एप्लीकेशन की प्रेस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू द नेविगेट प्रेस अप और डाउन एरो आर रिस्टोर ई प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज आर रिस्टोर ई रिस्टोर ई कट ई डिलीट डी प्रॉपर्टीज आर रिस्टोर ई कट ई रिस्टोर ई प्रॉपर्टीज आर रिस्टोर ई Enter, leaving menus, recycle bin, items view, multi-select list box, portable mga, c:\\users\\back. अब यहाँ से Windows करते हैं. P, pictures, P, portable mga. ये रहा मेरा shortcut, NVDA वापस आ गया है, portable NVDA. ठीक है, तो recycle bin. मैं फिर से रिसाइकल बिन में आ गया हूँ. अब ये तो हुई रिस्टोर कैसे किया जाता है. ठीक है, आइए अब जल्दी से हम इसके मेन्यूज की भी बात कर लेते हैं. फाइल मेन्यू की बात करेंगे. सबसे पहले ऑल्ट एफ प्रेस कर रहा हूँ. ऑल्ट एफ ओपन न्यू विंडो स्प्लिट बटन अनअवेलेबल. Open new window select button unavailable. Open the window. You can use the type commands at a Windows PowerShell. Open Windows PowerShell split button unavailable. Change folder and search options. Help split button. Change folder and frequent places group. Downloads. Alt documents. Pictures. Work. Alt backgrounds. Marriage. Music. Videos. NVD. Escape. Leaving escape. Unavailable. Items view. Multi-select list box. Not selected. Railway notes. c:\\users\. Recycle bin. To move to an item, press the arrow keys. Items view. Multi-select list box. Not selected. Railway notes. c:\home. .cs. 1:6. .cs. Underline the left brace 1b14dp. P. Escape. R. Railway notes. 4. Control space. Not selected. Control space. Railway note. Hold press करता हूँ. F6 name split button. F6 view modes. View modes. F6 toolbar up to F6 preview level 0 quick access. F6 items view multi select list box railway notes c:\ upper ribbon tabs tab manage recycle bin view tab share tab home tab leaving menus leaving ribbons file tab button drop down grid has pop up to activate press space bar alt followed by F press open new window open window options help close group help split options help close group close frequent places group downloads alt follow escape leave. ठीक है, तो फाइल में ये है. अब alt h करते हैं. Alt h upper ribbon tabs tab home tab sub clipboard toolbox copy but paste button a cut button copy pad paste shortcut but organize toolbar move the button drop copy the button drop down unavailable as pop up. ये drop down है, यहाँ पर space bar press कर सकते. Space leaving menus items view railway notes rar dollar is railway notes. ठीक है, तो नहीं, अब alt h कर रहा हूँ. Alt h upper rib home tab में आ चुका हूँ. Down arrow click कर रहा हूँ. Copy button paste the content copy pad organize copy the button delete split button delete left parent control plus d right parent 2:4 alt followed by h comma d alt down arrow करते हैं. Alt down arrow recycle permanently delete proof recycle unavailable permanently delete e
Show recycle confirmation group. Show recycle permanently delete group. Recycle and permanently delete P. Alt H. P करेंगे अगर आप तो आप permanently delete कर पाएंगे. ये बात कर रहा हूँ मैं menus के अंदर. Hold up arrow, upper ribbon, delete split button, delete left pick, copy the button drop down on the hold down arrow. Hold left arrow. Hold up arrow. Move the button drop down, hold down arrow, press lower ribbon, pictures checked, work checked, 3 of 49. Hold up arrow, move the button drop down as pop, paste shortcuts to the items on the clipboard, clipboard toolbar, paste shortcut button unavailable. Okay. Escape, leave it, escape. मेन्यू में इतना ही है, फिर बात कर लेते हैं हम शेयर मेन्यू की. Alt S से शेयर पर चलते हैं. Alt S, upper ribbon, ribbon act. शेयर में आ गया हूँ, डाउन एरो कर रहा हूँ. Send toolbar, share button on the email button, zip button, 2 of 6. Alt followed by S comma C. Alt followed by S comma C. Zip. Burn the disk button, 3 of 6. Alt followed by S comma B. Alt followed by S comma B. Print button unavailable, 4 of 6. Alt followed by S comma P. Alt followed fax button, 5 of 6. Alt followed by S comma F. Alt followed by S comma F. तो ये मैं सारे टैब से ऑप्शन पर नेविगेट कर रहा हूँ, ठीक है. ना मैं डाउन एरो यूज कर रहा हूँ, ना मैं राइट लेफ्ट एरो, ना ही अप एरो, ठीक है. मैं आपको शेयर मेन्यू के ऑप्शंस शेयर विद टूलबार गिव एक्सेस टू रिमूव एक्सेस बटन टूलबार एडवांस्ड सिक्योरिटी बट लीविंग मेन्यूज लीविंग रिबन्स फाइल टैब बटन ड्रॉप डाउन ग्रिड हैज पॉप प्रॉपर्टीज. तो इस तरह ये सारे मेन्यूज हैं. एस्केप एस्केप. तीन तरह के शेयर, होम, व्यू, ओ सॉरी फाइल और व्यू. व्यू ओल्ड डब्ल्यू वी ओल्ड वी अपर रिबन रिबन टैब्स टैब व्यू टैब्स. अब मैं फिर से यहाँ से एक बार डाउन एरो यूज कर रहा हूँ. पेंट टूलबार नेविगेशन पेंट प्रीव्यू पेंट बटन डिटेल्स पेंट बटन 2 of 3 लेआउट टूलबार व्यूज चेंज योर व्यू डिटेल्स व्यूज बटन ड्रॉप डाउन ग्रिड हैज पॉप अप ऑल फॉलोड बाय वी कॉमा एल करंट व्यू टूलबार सब ग्रुप बाय बटन ड्रॉप ऐड कॉलम्स बटन साइज ऑल कॉलम्स टू शो स्लैश हाइड टूलबार आइटम चेकबॉक्सेस चेकबॉक्स नॉट फाइल नेम एक्सटेंशंस चेकबॉक्स नॉट चेक्ड 1 of 4 ऑल फॉलोड बाय वी कॉमा एचएफ Hidden items checkbox not checked. 2 hide selected items but 3 hidden file name extensions checkbox not checked. Space leaving menus. Railway notes 483 of large icons radio button checked. Escape escape. Details radio button. Escape escape escape. Shell folder view items view multi select list box railway notes C colon back original location C colon date deleted size 3 item type file folder 1 of 1 date modified WhatsApp date delete size 3480 KB date the original location railway original railway notes 483 of 601. ठीक है साथियो, तो इस तरह से आप रिसाइकल बिन का यूज कर सकते हैं. आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी. अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें बता सकते हैं. तो साथियों, अब वो गुड न्यूज क्या है वो बताता हूं. गुड न्यूज ये है कि हम एक और नई प्लेलिस्ट का आगाज करने वाले हैं, कंप्यूटर क्विज. जी हाँ, ये प्लेलिस्ट आपको कब देखने को मिलेगी आपको जल्द ही सूचना मिल जाएगी. तो बने रहें हमारे साथ. कंप्यूटर क्विज में बहुत अच्छे अच्छे क्विज मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ. और इतना ही नहीं, उसके क्वेश्चन आंसर की व्याख्या भी आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा. तो ये एक नया प्रयास होगा हमारी तरफ से आप सभी श्रोताओं के लिए. तो बस आप सिर्फ हमारे साथ बने रहें.
अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी नई जानकारी के साथ और किसी नए चैप्टर में।